दोस्तों, कि आपको भी 12th फर्स्ट चैप्टर का ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में नहीं आता है, वो किस तरह से बनते हैं, प्रोडक्ट बन कैसे जाते हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या बुक में क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइड सब्स्टिट्यूट ऐड हो रहा है हट रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो ये आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक से किस तरह से उसको बनाया जा सकता है और जल्दी बनाया जा सकता है, और ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में ट्रिक से ही बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि इस वीडियो में मैं सारे रिएक्शंस जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से रिलेटेड हैं, जिस तरह से उनका प्रिपरेशन होता है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ट्रिक से बताऊँगा, उसके बाद आपको उसका रियल कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, और साथ ही साथ लास्ट में उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बताऊँगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, और सारे रिएक्शन हम लोग ट्रिक से ही जानना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला देखते हैं, पहला रिएक्शन। पहला है दोस्तों कि एल्कोहल से हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स क्या है दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसमें हैलोजन जुड़ा हुआ रहे, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट रहे, उसे हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से किस तरह से हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला टर्म आएगा जिसका नाम रहेगा डार्जिन प्रोसेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी एल्कोहल का कंपाउंड, कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी हो, उसको उससे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को प्राप्त करेंगे। किसके प्रेजेंस में? पायरिडीन एक कैटलिस्ट है जिसके प्रेजेंस में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पहले एक डिफिनेशन लिख देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कोई भी हो, एल्कोहल SOCl2 को इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल से उसमें रिएक्शन कराया जाता है SOCl2, और एक और है कैटलिस्ट जिसका नाम है पायरिडाइन। तो ठीक है दोस्तों, रिएक्शन से समझते हैं इसको। पहला है डार्जन प्रोसेस, इसमें क्या होगा, कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सब क्या है दोस्तों, ये सभी मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, ताकि आप लोग समझ जाएं। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा पीछे जाकर। तो देखते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ये कोई एक एल्कोहलिक कंपाउंड है दोस्तों, देखिए यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो हम लोग समझ गए क्या कि ये एक अल्कोहल का कंपाउंड है। अब ये अल्कोहल का कंपाउंड को किससे रिएक्शन करना है दोस्तों, इससे SOCl2। तो क्या बनेगा दोस्तों वो हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ कैटलिस्ट में पायरिडाइन है, इसको लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे तो C5H5N, लेकिन हम लोग ट्रिक से जानने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप कैसे बनाते हैं इस रिएक्शन को। मान लीजिए ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, तो आप इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, CCl2 को दो बार आप आसानी से लिख दीजिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप इस SO को इस O के साथ ले आइए, ठीक है दोस्तों, इस SO को इस OH के साथ ले आते हैं, और इस H को एक Cl के साथ अलग कर देते हैं, तो जो बचा Cl वो जाकर इसमें सीधा जुड़ जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा CH3CH2Cl, ठीक है दोस्तों। जो बना वो भी लिख दीजिए, SO2, देखिए SO2 बना और HCl बना, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या क्या और नया चीज़ बनने वाला है। जैसे कि माना एक एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसको भी उसी तरह से रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से। अगर CO2 लिखा हुआ है तो उसको आप अलग अलग करिए ताकि आसानी से बन जाए ये कैटलिस्ट। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, SO2 को अलग कर देना है, उसके बाद
HCl को अलग कर देना है, बाकी जो बचा है इसके साथ जोड़ दीजिए, CH3CH CH3 और Cl। ये बन गया दोस्तों हमारा हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हैलोजन जुटा हुआ है। बाकी इन दोनों को अलग कर दीजिए, SO2 HCl। और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसको भी इसी तरह से रिएक्शन कराएंगे जिस तरह से पहले करवाया था। या तो पैराडाइन लिखा होगा या तो फिर इसका सैम्बुलिन दे दिया गया होगा, हमको इसका फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो ट्रिक से समझ रहे हैं। HCl हट गया, SO2 हट गया, जो बच गया इसमें जोड़ दीजिए, Cl बच गया तो Cl इसमें जुट जाएगा, बाकी जो बना वो अलग हो गया था वो उसको भी लिख दीजिए। इसमें दोस्तों मेन प्रोडक्ट हम लोग का ये है, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हम लोग को प्राप्त करना था जो कि प्राप्त हो चुका है ये सब हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड से, और इन सबको बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मायने मेन प्रोडक्ट का होता है जो कि हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दूसरा रिएक्शन। देखते हैं दोस्तों अल्कोहल से ही हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को प्राप्त करेंगे, तो दूसरा दोस्त रिएक्शन का नाम है दोस्तों ग्रोव्स प्रोसेस। पहला था डार्लिंग प्रोसेस जिसमें SOCl2 के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, सबसे पहले SO2 को अलग किए थे, उसके बाद HCl को अलग किए थे, बाकी एक क्लोरीन को सीधा जोड़ दिए थे, तब हम लोग को मिल गया था क्या, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। इसमें देखते हैं क्या दोस्तों होगा, इसको भी अच्छे से समझेंगे। ग्रोव्स प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड ट्रीटेड विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये एक कैटलिस्ट है दोस्तों, ठीक है ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। कहने का मतलब अल्कोहलिक कंपाउंड को हम लोग को HCl से ट्रीट कराना है, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 एक कैटलिस्ट है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों रिएक्शन से समझते हैं। मान लिया कि एक हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ये अल्कोहलिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें OH जुड़ा हुआ है, हम लोग को इससे हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स लाना है, बोला जा रहा है कि इसको HCl से ट्रीट कराया गया है। HCl लिख दिए, कैटलिस्ट क्या है दोस्तों वो भी लिख दीजिए, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब देखिए बनाएगा कैसे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, H और OH इन दोनों को हटा दीजिए। आप देखिए यहाँ से H हट गया, यहाँ से OH हट गया, ये Cl डायरेक्ट इसमें जाकर जोड़ दीजिए, बन गया। काफ़ी आसानी से दोस्तों ये कंपाउंड बन गया, देखिए H2O बनकर अलग हो गया, बाकी ये Cl इसमें जाकर जुट गया, ये बन गया हमारा जो पाने वाला था हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, और ये बाय प्रोडक्ट H2O अलग हो गया। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ये कोई अल्कोहलिक कंपाउंड है, हम इसको HCl से रिएक्शन कराएंगे, ZnCl2। अगर डिफिनेशन आए दोस्तों तो ये डिफिनेशन लिख के आपको ये कैटलिस्ट लिखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कैटलिस्ट के ही इसका नाम ग्रोव्स प्रोसेस से रखा गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर डायरेक्ट रिएक्शन दे दिए इस तरह, तो आपको कुछ नहीं करना है, H2O को अलग कर कर इसको Cl को डायरेक्ट जोड़ देना है। ये हमारा हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स मिल गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस बार टर्शियरी एग्जांपल देखते हैं, 3 डिग्री वाला। ZnCl2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, H2 फिर से अलग हो जाएगा, Cl जाकर सीधा जुट जाएगा। आपको क्या, अगर कुछ समझ में ना आ रहा होगा दोस्तों तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, या तो फिर कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा जो भी आपका दिक्कत होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स मिल गया। पहले वीडियो में, पहले पार्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, SOCl2 से रिएक्शन करा रहे थे,
इसमें क्या करते थे हम लोग, एक तो SO2 को पहले हटा देते थे, उसके बाद एक HCl को हटा देते, और फिर इसमें जाके डायरेक्ट क्लोरीन जोड़ देते थे। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, H और OH को हटा देना है, बाकी क्लोरीन को सीधा जोड़ देना है। ये तो था दोस्तों ट्रिक से, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से बनाना चाहें, किताबी भाषा में बताना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी समझ लेते हैं एक बार, वो भी क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी पहले देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों एक रिएक्शन लेते हैं इसी प्रोसेस का। मान लीजिए एक रिएक्शन लिए हम लोग CH3C CH3, जो भी हम लोग किए उसी को कर लेते हैं एक बार, किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेंगे। ये ऐसा था ZnCl2। क्या कर रहे थे हम लोग, सीधा सीधा हम लोग इसको अलग कर देते थे और Cl को जाकर जोड़ देते थे। और H2 अलग हो जाता था। ये तो था हम लोग जो ट्रिक से कर रहे थे वो, लेकिन किताब में किस तरह से होगा या दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं ये स्टेप बाय किस तरह से प्रोसेस हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, HCl अलग, जो जिससे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HCl, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो पहले अलग होता है H, ये दोनों अलग होता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ये बन जाता है H+, और ये इलेक्ट्रॉन लेने गवाने के बाद, और ये HCl- बन जाता है लोन पेयर के साथ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद इसका बारी आता है, इसके साथ ही वही होगा जो कि इसके साथ हुआ था। ये क्या करता है, इस बॉन्ड को हटाने के लिए यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये हटने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है लोन पेयर के साथ। अब क्या होगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों कार्बोकटायन। बुक वगैरह में आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, बुक वगैरह में इसी तरह से लिखा होता है। ये तो था स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये और ये दोनों अलग अलग हो चुका है, अब स्टेप 3 में ये और ये आपस में जुड़ जाएगा। जो कार्बोकटायन था ये और ये Cl, ये दोनों आपस में जुड़कर एक बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। जुड़कर क्या बनेगा दोस्तों, जो हम लोग ट्रिक से बनाए वही जैसे बन जाएगा यहाँ पे। बस देखिए जो यहाँ पे बना हुआ था वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये H+ और यहाँ का OH- भी जुड़कर H2O बन जाएगा। तो यही था बुक में लिखा हुआ है, जो कि लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको मैकेनिज्म भी बोला जाता है दोस्तों, कभी कभी आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। तो ये था लॉन्ग प्रोसेस से, और ये था हमारा ट्रिक से शॉर्ट प्रोसेस से। आप खुद देख लीजिए दोस्तों आपको किस चीज़ से ज़्यादा अगर आप सूटेबल। तो आइए दोस्तों अब दोनों प्रोसेस को सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन भी ना हो। चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं। पहले रिएक्शन में देखिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले SO2 को हम लोग अलग कर लिए, और HCl को एक के साथ अलग कर लिए, जो HCl बची है डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए CH3 यहाँ पे, Cl जो बची है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और HCl। ठीक है, ये देखिए दूसरा में क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा, Cl जाकर डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और बच गया H2O। तीसरा देखिए यहाँ भी यही होगा दोस्तों, H2O के साथ एक Cl के साथ, यहाँ क्या होगा दोस्तों, SO2 अलग, HCl अलग, और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, जो एक Cl बचा था ना आपको बताया था, यहाँ पे 2 Cl है, एक Cl एक के साथ जाएगा, और एक Cl यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। यहाँ भी क्या हो दोस्तों, H2O यहाँ पे और Cl यहाँ पे, तो आशा करता हूँ दोस्तों सारे ट्रिक्स आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे,
मतलब प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को ही आगे और भी रिएक्शन है उस सबको भी ट्रिक से ही जानेंगे, साथ ही साथ उसका रियल कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। तब तक वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ चुका है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।